ब्रेक के बाद आपको खबर देते हैं कि एसईओ सरबराहान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तान ने तमाम मेंबर ममालिक को एसईओ सरबराह कॉन्फ्रेंस के दावतनामे इरसाल कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी इस हवाले से तस्दीक करते हुए कहा है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी एसईओ सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा भेज दिया है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला अब भारतीय हुकूमत को करना है। इस पर बात करते हैं नुमाइंदे खसूसी गजाला नौरीन से। गजाला, कहिएगा कि भारत के अलावा किन किन ममालिक के सरबराह को ये दावतनामा भेजा गया है? जी बिल्कुल, ये कॉन्फ्रेंस रवा साल 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होगी। चीन, रूस और भारत समेत तमाम रुकन ममालिक के सरबराहाने हुकूमत को इस हवाले से दावतनामे भेज दिए गए हैं और सफारती जराए का ये कहना है कि तमाम ही रुकन ममालिक के सरबराहाने हुकूमत की इस्लामाबाद में होने वाली एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक करते हुए कहा है कि तमाम एससीओ ममालिक के सरबराहान को दावतनामे अरसाल किए जा चुके हैं और इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान को दावत दी जाएगी। मैं यहाँ पर सुनो के नाजरीन के लिए ये बताती चलूँ कि सफारती जराए की जानिब से बताया गया है कि नई दिल्ली ने पाकिस्तान के दावतनामे पर फैसला तहाल नहीं किया है और ना ही इस हवाले से पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक आगाह किया गया है। ताहम मेज़बान मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान इजलास के लिए एससीओ के तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान को मदऊ कर रहा है। शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की कौंसिल की चेयरमैनशिप पाकिस्तान के पास है और इससे पहले सितंबर में एससीओ के वजारती इजलास की मेजबानी भी करेगा पाकिस्तान। जी ठीक है, गजाला नौरीन, आपका बहुत शुक्रिया।